अस्सलाम वालेकुम जी, आई स्टोर के पास जो मैकबुक यूज़र हैं उनके लिए एक बहुत ही चीप प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, मैक मिनी। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स कह रहे थे कि हसन भाई कोई चीप प्रोडक्ट लेकर आएँ, क्योंकि मैकबुक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो जो नॉर्मल यूज़र हैं, जिसने जो चाहता है कि मैकबुक का हम लोग OS यूज़ करें, तो दिस इज़ द बेस्ट मैकबुक, दिस इज़ द बेस्ट मशीन, मैक मिनी फॉर हिम। और ये बहुत ही एक नीट एंड क्लीन कंडीशन में है मैक मिनी, और इस तरह का मैक मिनी का लेटेस्ट स्टॉक हमने मंगवाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा मैक मिनीज हैं। तो स्टार्ट काउंटिंग विद मी, तो हम लोग इनको काउंट भी करते जाते हैं वन बाय वन, एंड दिस विल बी अ गिफ्ट फॉर यू बिकॉज बहुत ही चीप प्राइस पर हैं। सो 1, 2, यहाँ पे मैं रखता जाता हूँ, 3, 4, 5, 6। और इसकी बैक एंड पे क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। 7, 8, 9। अच्छा, इसमें हमारे पास है क्या, वी हैव द पावर ऑप्शन, यहाँ पे पावर ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई है, ये हमारे पास जो है वो मॉडेम केबल है इंटरनेट के लिए, ईथरनेट, ये प्रिंटर के लिए है, ये हमारे पास USB HDMI, दिस इज़ दी अगेन स्मॉल आई मैक, मैक मिनी के लिए, जिस तरह ये मैक मिनी आपके सामने आई मैक है, मैक मिनी टू आई मैक, ये इसका फ़ैन है, 1, 2, 3, 4, 4 स्लॉट्स हैं इसके USB की, और ये कार्ड रीडर है। सो वी हैव ऑक्स केबल, सो लाइक दिस इज़ अ फुल कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास एवरी फ्रीडम है मैकबुक से रिलेटेड, बल्कि मैकबुक से भी ज़्यादा, जिसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो 7, 8, काउंट करते जाना आपने मेरे साथ, 9, 10, राइट, 11, राइट, सो 12, यहाँ पर रख देता हूँ 13। और ये बहुत ही चीप हैं, जब मैं आपको इनकी प्राइस बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हसन भाई ये सारा स्टॉक ही हमें दे दें, क्योंकि ये हम लोगों ने उन लोगों के लिए मंगवाया है जो मैकबुक अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैकबुक मिनिमम भी अगर हम मैकबुक परचेज करें, एप्पल भी मैकबुक, तो अराउंड कोई 50,000 से प्लस मैकबुक आती है, और ये जो है, ये चले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्टार्ट हो रही है ये 20,000 से स्टार्ट हो रही है। सो 20,000 इज़ लाइक नथिंग फॉर दिस एप्पल मैकबुक। आप एप्पल लोगो भी लेने जाते हैं ना किसी भी चीज़ पे, तो वो 20,000, तो वो दैट इज़ इवन लेस देन टू बाई इवन अ मैकबुक लोगो। तो ये एक प्रॉपर मैक मिनी की मैकबुक है, दिस इज़ अनलॉक्ड, फैक्ट्री अनलॉक्ड है, इसमें आई क्लाउड नहीं लगा हुआ, और इसमें फुल फ्रीडम है जैसे आप मैक मिनी और एप्पल की डिवाइसेज यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव अराउंड 20, 21, 22, कुछ की मैकबुक की कंडीशन है तो उसकी प्राइसेस भी उस हिसाब से होंगी, 23, राइट, 24, 25, 26 अराउंड। सो काउंटिंग मैंने मिक्स कर दी है, लेकिन आप लोग ज़रूर काउंट कर रहे होंगे। तो ये जो है, अच्छा, इसमें जो इसकी ब्यूटी है मैक मिनी की, दिस इज़ वेरी लाइट वेट, इसका कोई ज़्यादा वज़न नहीं है, इसकी कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है। जो विंडोज़ यूज़र हैं उनके लिए मुझे एक मैसेज देना है, विंडोज़ की जो CPU होता है, वो विंडोज़ का CPU कितना बड़ा होता है, उसके लिए स्पेस चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर कूलर चाहिए जो उसको क्लीन कूल करता है, लेकिन यहाँ पे इसकी, यहाँ पे प्रॉपर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, एप्पल मैक मिनी का एक प्रॉपर यहाँ पे नीचे एग्जॉस्ट दिया हुआ है। तो ये मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, राइट, तो टोटल हमारे पास ये इस स्टॉक के, अच्छा, ये इसकी फ़ैन की भी प्लेस है और यहाँ पे भी फ़ैन की है, तो मेरे ख्याल में ये इसकी उसके लिए है, CD रोम के लिए, तो CD रोम की भी कुछ स्पेसीज हैं। अच्छा, डिफरेंट मॉडल्स हैं इसमें, कुछ मॉडल्स में हमारे पास, हमें अब जिसमें यहाँ पे देखें, इसका CD रोम नहीं गिवन, और इसका जो लाइट के साथ ये कैमरा है इसका, इसमें कैम नहीं है, इसमें सिंपल CD रोम है, तो डिपेंड करता है। तो 20,000 से ये मैक मिनी जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, और हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, अराउंड कोई 100 पीसीज और भी हैं,
तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और जो इनके प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं, प्राइसेस दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। तो प्राइसेस बहुत ही चीप हैं, स्पेशली टू बाय अ मैकबुक, एन एप्पल डिवाइस। अगर आप कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ करते हैं, विंडोज़ का सीपीयू आप लेने जाते हैं, तो विंडोज़ का सीपीयू कोई अराउंड 30,000 प्लस है, 40,000 है। तो ये आपको 20,000 में मैकबुक मिल रही है, मैक मिनी। और कनेक्टिविटी इसकी मैं आपको बता देता हूँ, यू कैन कनेक्ट दिस लेटेस्ट कीबोर्ड विद इट। अगर आप ये कीबोर्ड नहीं इसमें कनेक्ट करना चाहते, तो ये एक कीबोर्ड है हमारे पास जो कि आप वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैजिक कीबोर्ड। दीज आर गुड मैक मिनी फॉर डिवेलपर्स, फॉर प्रोग्रामर्स, और डिज़ाइनर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। आप ग्राफिक कार्ड भी इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़। और कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको इसका बता दूँ, इसके लिए हम HDMI से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पीछे जो आप LED देख रहे हैं, दिस इज़ 55 inches LED, और ये हमने HDMI से भी कनेक्ट की हुई है। वी हैव ऑल्सो दिस एप्पल टीवी, या आप एप्पल टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो HDMI इज़ द मेन सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी, आप HDMI से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास HDMI नहीं है, तो फिर आप थंडर बोल्ट केबल जो है, ये इसकी थंडर बोल्ट केबल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थंडर बोल्ट की इसकी है। मैं आपको कोई और मैकबुक दिखाता हूँ, ये इसकी थंडर बोल्ट की जो है वो साइन है। यहाँ पे आप थंडर बोल्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये मेरे ख्याल में प्रिंटर के लिए है, तो थंडर बोल्ट से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव USBs, वी हैव थंडर बोल्ट, वी हैव HDMI, वी हैव दी मॉडेम, और ये इसका पावर सोर्स बटन है, और ये इसका फैन है, कार्ड रीडर स्लॉट, ऑक्स केबल, और इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन जिसमें आप लोग एवरी एवरी पार्ट का, एवरी डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दिस लेटेस्ट, और 20,000 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस है मैक मिनी की। और वी हैव सो मेनी, और कीबोर्ड्स इसके साथ सेपरेट होगा, माउस भी। तो माउस अगर आप जो है वो चार्जिंग वाला लेना चाहते हैं, तो उनकी प्राइस सेपरेट है। इसी तरह कीबोर्ड भी अगर आप चार्जिंग वाला लेना चाहते हैं इसके साथ, तो उसकी प्राइस सेपरेट है। और अगर आप एप्पल का माउस कीबोर्ड नहीं लेना चाहते, और आप चाहते हैं कि जो है वो हम लोग इनको मजीद जो है वो चीपर, दैट्स 20,000 के साथ पैकेज में, तो फिर आप बाजार से कोई भी माउस और कोई भी कीबोर्ड ले सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज मैक मिनी, और ये बहुत ही चीप है, और ये स्पेशल मैंने रिक्वेस्ट करके मंगवाया हुआ है, स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए जो लोग कहते थे कि हमें कोई चीप एप्पल की डिवाइस चाहिए। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप इन टच।